हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फिल्म मिल रहे हम लोग दुनिया के सबसे बड़ा लाइव शो जो अमूल फेसबुक का है, और इसके साथ हम लोग आज नए साल की मीठी मीठी शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत में हम लोग आज जाते हैं, आज जैसे घूमने का सीज़न है भाई, ठंड है अच्छी, तो विंटर्स है और दिसंबर महीना है जो हो गया है और जनवरी चालू हो गया, तो घूमने के लिए आज हम लोग चलते हैं स्पेन। ये चुरोज, स्पेन का जो एक बहुत ही फेमस डिश है चुरोज, वो आज हम लोग बनाएंगे। और स्पेन का बहुत नज़दीक का रिश्ता जो है वो चॉकलेट के साथ है। जैसे हम लोग सवेरे 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 जलेबी खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, वैसे ही स्पेन में रात में जैसे तापस खाते हैं और एंड करते हैं अर्ली मॉर्निंग चुरोज और चॉकलेट सॉस के साथ। तो शुरुआत करते हैं चुरोज के लिए, तो बहुत आसान तरीके से, भाई स्पेन की डिश है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से और छोटी छोटी टिप से आपको बताऊंगी कि चुरोज कैसे बनते हैं। चलिए घबराने की कोई बात ही नहीं, भाई हमारे साथ है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए ये मैंने मेजरमेंट का कप लिया है, राइट, और इस साइड में है ml, ये है 200 ml मैंने पानी लिया है। कटोरी से आप गिनना चाहते तो, या फिर इससे गिनना चाहते तो देखिए कितना हो जाएगा। एक कप से मैं दिखाती हूँ कितना होगा, देखिए करीब करीब एक कप है, थोड़ा सा कम है एक कप को, तो जैसे 200 ml आप ले सकते हैं, या तो एक कप को थोड़ा सा कम, 1/3 कप नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है। तो ये पानी उबालने के लिए मैं रख देती हूँ, और देखिए क्या क्या तैयारी है इसकी, इसके लिए बहुत कम सामान है। ये है मैदा, ये है सॉल्टेड अमूल बटर जो हम सबका चहता है, और 2 टेबलस्पून शुगर, और इसके साथ सिनेमन पाउडर, और ये शुगर भी मैंने थोड़ी सी ली है जो बारीक है, इसमें सिनेमन पाउडर हम लोग डालेंगे और हमारे चुरोस को जो है उसमें रोल करेंगे। तो वो चुरोस बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग लिए और एक स्टार नोजल लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल भी आप जैसे एक कोन बना के कर सकते हो, और या तो हमारे पास चकली का रहता है स्टार नोजल, नहीं तो भाई जुगाड़ तो हम लोग कर ही लेते हैं, है ना। अगर आपके पास पाइपिंग बैग हर घर में नहीं रहती है तो कोई भी कोन बना लीजिए और ये स्टार नोजल यहाँ पे रख दीजिए। मधु जी बोलिए, अरुणा जी बोलिए, हैप्पी न्यू ईयर शेफ। हैप्पी न्यू ईयर अरुणा जी, हेलो मधु जी। सुचित्रा जी बोलिए, हेलो जी, हैप्पी न्यू ईयर अपर्णा जी। हेलो सुचित्रा जी, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर समीक्षा जी, और थैंक यू अरुणा जी, और मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रही थी। देखिए ये पानी जो हमने 200 ml लिया है वो इतना अच्छे से उबलना चाहिए, रोलिंग होना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा उबलना चाहिए। तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून, देखिए ये 2 टेबलस्पून इसमें सादी वाली चीनी, हम लोग इसमें इसको घोलने देना है, मतलब इसमें आ जाएगी ये, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, 200 ml के। हेलो भूमि जी, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए ये हो गया, अब 2 टेबलस्पून मैं सॉल्टेड बटर भी ले रही हूँ, देखिए ये 1 टेबलस्पून अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया और हमारा सबका प्यारा बटर। अगर ये बटर आपके पास सॉल्टेड बटर नहीं है तो पिंच, एक पिंच आप क्या करोगे, एक पिंच सॉल्ट डाल देंगे, राइट। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास सॉल्टेड बटर नहीं रहता है तो उस वक्त, क्योंकि जैसे मीठा कोई भी है ना, तो थोड़ा सा आप अगर उसमें नमक डालोगे तो क्या होगा, टेस्ट इनहांस हो जाएगा। उदय जी बोल रहे हैं, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ उदय जी। दीपक जी बोल रहे हैं, हेलो जी, हैप्पी न्यू ईयर, नेम ऑफ द रेसिपी। हाँ हेलो उदय जी, हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम लोग बना रहे हैं, आज चल मैं आप सबको लेके चल रही हूँ स्पेन, और वहाँ का बहुत फेमस डेजर्ट है चुरोज, आजकल इंडिया में भी बहुत फेमस हो गया है, वो चॉकलेट सॉस के साथ वो चुरोज हम लोग बना रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग खाया जाता है, ठंड में खाया जाता है, तो मैं बोली, हमने बोला कि आज जो है कि अभी इतनी ठंड है तो गर्मा गर्म चॉकलेट सॉस और चुरोज मैं आपको सिखाती हूँ।
तो देखिए ये अच्छे से उबल गया है डेजी इसमें। जी बोलिए हेलो जी। हेलो डेजी जी। और देखिए ये बटर और शुगर अच्छे से। मधु जी बोलिए विश यू अ ग्रेट ईयर। थैंक यू वेरी मच मधु जी, और आपका भी नया साल बहुत शानदार जाए, और आप सबको हम सब दुआ करेंगे कि हम सब का अच्छा जाए। चलिए देखिए कितना अच्छे से उबल गया। अब मैं करूँगी यहाँ पे ये हमारा 1/3 कप और 100 ग्राम करीब करीब, आप मेजरमेंट से गिनोगे तो 100 ग्राम नहीं तो 1/3 कप, मतलब 1 कप में थोड़ा सा कम ये मैंने डाला है यहाँ पे। और मैंने गैस बंद नहीं किया है, बिल्कुल स्लो किया है। थैंक यू वेरी मच अगस्त जी, और मैं आप सबको भी बहुत मिस कर रही थी, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ कि अभी बिल्कुल रेगुलर आऊँगी। और कुछ रहता है, बहुत सारे लोग अभी सेशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा रुकना पड़ता है कई कभी कई बार, तो अभी लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ बनी रहूँ। देखिए ये अच्छे से मैंने बंद नहीं किया है। चलिए स्पैचुला से ना नहीं हो रहा है तो मैं अच्छे से हमारा वुडन वाला लेती हूँ, और गैस मैंने बंद नहीं किया है ये। उदय जी बोले नए साल में आपका मून लाइफ में देखना हमारे लिए शुभ शकुन है, पक्का हमारा न्यू ईयर हैप्पी जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपके इतनी सारी प्यारी प्यारी कमेंट सबकी, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखिए यहाँ पे मैं गैस बंद कर देती हूँ, और इसको ना हम लोग गरम गरम मतलब गुनगुने इसमें ही हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से मैं कोई एक प्लेट लेती हूँ, लेकिन स्टील की लेती हूँ, देखिए। पूनम जी पूछ रही है ये आटा है या मैदा। ये मैदा है पूनम जी, और चुरोज मैदा से बनते हैं, लेकिन मैंने आटा से भी बनाए, बहुत अच्छे बनते हैं। पूनम खंडेलवाल जी बोले वाओ। थैंक यू। देखिए ये गुनगुना है ना, तभी हमको इसको हम लोगों को इसको एक जैसा करना है। तो ये देखती हूँ, पहले तो मैं स्पैचुला से करूँगी, और थोड़ी देर में क्योंकि हम लोग जिसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, इसको चुरोज को ना गरम गरम इसमें ही थोड़ा सा तलना पड़ता है, ये थोड़ा ठंडा होता है, तब तक मैं तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ, या फिर घी, अगर आप, मैं घी के साथ कर रही हूँ, थोड़ा पिघला के रखा था। अगर आप तेल में कर रहे हैं तो जो तेल में कोई स्मेल ना हो, है ना, खुशबू ना हो, जैसे सरसों का तेल है, पीनट ऑयल जो है, इसमें थोड़ा सा खुद की सुगंध रहती ना, वो मत लीजिए। अगस्त जी पूछ रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, आप कब आ रहे हो फिर लाइव। अच्छा अगस्त जी, मैं परसों फिर से आ रही हूँ, जैसे आज 1 तारीख है ना, कल 3 तारीख को 7 बजे मैं फिर से आ रही हूँ, और बहुत शानदार रेसिपी के साथ। डेजी जी बोलते हैं रियली आप बहुत जॉली मूड वाले पर्सन हो। थैंक यू वेरी मच। और डॉली जी, डेजी जी, थैंक यू। और देखिए ये जैसे गुनगुना है, तभी हमको इसको अच्छे से, थोड़ा सा गर्म है, आप अगर नहीं कर सकते ना तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा हाथ में कुछ लगा लीजिए, या फिर कटोरी का पिछला हिस्सा रहता है ना, जैसे स्टील की वाली जो कटोरी रहती है उसका पिछला हिस्सा जो रहता है ना, देखिए, या फिर कोई आपके पास प्लेट है तो, जैसे बिगनर है, कोई बच्चे है या फिर स्टार्टिंग में कर रहे हैं, उनको ज़्यादा गर्म सहन नहीं होता, वो बच्चे ऐसे करें। अरुणा जी बोल रही लव चूरोस, ग्रेट शेफ, वी ऑलवेज लव टू वॉच योर सेशंस। थैंक यू वेरी मच अरुणा जी, और आप सबका प्यार। देखिए इसको हम लोगों को ठंडा नहीं करना है। और एक बात, आप अगर प्लास्टिक वाली ये पाइपिंग बैग ले रही है तो डबल लीजिए, क्योंकि ये गर्म में ना वो प्लास्टिक बैग फट सकती है। रिंकू जी बोल रही हेलो। हेलो रिंकू जी, देखिए कितना अच्छे से हो गया ये, देखिए इसको इतना नरम करना है, और ठंडा भी नहीं होने देना है, गरम गरम इसमें ही हम लोग करेंगे। तो मैं दो वे से आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। आप सबकी इतनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट, तो मुझे ये गरम भी नहीं लग रहा है, लेकिन है गरम।
देखिए ये डेजी जी, सब लोग जो इतने अच्छे से दिख रहे हैं, अगस्त जी, ये उदय जी, ये देखिए इतना नरम और अच्छे से होना चाहिए। रिंकू जी बोलिए हैप्पी न्यू ईयर मैम एंड एवरीवन। थैंक यू वेरी मच रिंकू जी। श्रीनिवास जी बोल रहे हैं वी वर मिसिंग यू एंड योर अमूल रेसिपीज। थैंक यू वेरी मच श्रीनिवास जी। और अभी आ गई हो तो अभी ना रहूंगी, परसों फिर से आ रही हूँ मैं लाइव में। देखिए ये जो है कोई भी एक ग्लास लीजिए, उसमें ये रख सकते हैं या फिर ऐसे ही आप इसको डाल दीजिए और थोड़ा सा प्रेशर दीजिए पीछे से। ये अच्छे से सामने आ जाएगा। और दूसरा मैं वो एक चकली वाला लेती हूँ, क्योंकि नोजल और पाइपिंग बैग हर घर में नहीं रहती है, तो भाई ये देखिए ये एक है और एक मैं ये हमारे चकली वाला जो है उसमें डालूंगी। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं चकली का, ये ऐसे थोड़ा सा मैं इसमें डालती हूँ और इसको किया जाता है इस तरह से बंद। ये जो प्लेट है इसमें जाती है, फिर ये ऊपर का आप दबाओगे तो ये नीचे आ जाएगा और इसको हम लोग बंद करेंगे, राइट। इसको ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा चुरोस का जो आटा है वो सख्त हो जाएगा। अब धीरे धीरे अब कोई भी मैं एक लेती हूँ, ये ज़्यादा हमारा घी गर्म हो गया है तो इसको कम कर देती हूँ। चलिए ये एक मैं छोटा सा मेरे पास लिया है और स्टार नोजल अगर नहीं है तो कैसे करना है, थोड़ा सा ज़्यादा देखिए इस तरह से अपने बोर्ड पे जितना आप बड़ा चाहते हैं उतना लीजिए। इसके बाद ये कट कर लीजिए। अगर से जी पूछ रहे मैम पाइपिंग बैग नहीं होगी और मोल्ड नहीं होगा तो फ्री हैंड से बना सकते? बिल्कुल अगस्त जी, हम लोग तो करते हैं, देखिए हाथ से ऐसे आटा मतलब कर लेना जैसे हमने ताड़बोखी की थी, या फिर ऐसे ही रोल करना है और जो हमारा जो स्पून रहता है ना कांटे वाला उससे थोड़े से आप उसमें इमेज दे सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी अच्छा लगता है भाई। देखिए जैसे ही ठंडा होगा ये थोड़ा सा सख्त होगा तो ये, और अगर आप ले रहे हो पाइपिंग बैग कोशिश करना एक जितने जैसे ही निकले, मैंने गैस बंद कर दिया था तो वो ऑन कर देती हूँ फिर से, ज़्यादा घी गर्म हो रहा था। अगर तेल ले रहे हैं तो कौन सा लेना है मैंने बता दिया। थोड़ा ज़्यादा इसमें चलिए ये और दो चार चुरोस मैं उससे भी आपको बना के दिखाती हूँ। पहले गैस ऑन कर लूँ, देखिए मुझे घी में बहुत अच्छा लगता है मीठा कोई भी। लाइटर हमेशा इन दिनों में तकलीफ देता है आगे देखिए ये, और ये इसके साथ ये चकली वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ये थोड़ा सा ना ये पतला बनता है चकली जैसा, लेकिन कोई बात नहीं भी, खाना तो हमको है। और अगर ये दोनों नहीं है अगस्त जी तो मैं वो एक रोल करके भी आपको दिखाती हूँ किस टाइप में लगेगा, फिर हम लोग कट करेंगे। श्रीनिवास जी पूछ रहे कैन यू पुट सम चॉकलेट इनसाइड द चुरोस। हाँ कर सकते हैं, लेकिन श्रीनिवास जी वो चॉकलेट जल जाएगा, है ना, चॉकलेट बहुत डेलिकेट चीज़ रहती है तो आप मत डालिएगा, क्योंकि अंदर अगर डालेंगे और डीप फ्राई करोगे तो उसका कवर काफ़ी ठीक होना चाहिए, ये बहुत पतला रहेगा तो वो चॉकलेट क्या हो जाएंगे जल जाएगा, चॉकलेट बहुत ही डेलिकेट है। और अगस्ती जी देखिए मैंने ये आटा लिया और इसको मेरी बिटिया ने ताड़बो की जो सिखाई थी इस टाइप की बनाई थी, है ना, तो इसको आप इमेज किसी भी चीज़ से दे सकते हो।
अगर नहीं भी दे तो फर्क पड़ता नहीं इससे। देखिए ये अगर आप करोगे, और श्रीनिवास जी आपको इसमें इसके अंदर अगर चॉकलेट डालना है ना, तो एक चीज़ हो सकती है कि आप बॉल बनाइए, चुरोस बॉल भी बनते हैं, और उसमें फिर आप स्टफ कर सकते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच। देखिए इसमें इमेज भी आ गई, थोड़ी नज़दीक से आप देख सकते हैं, ये हाथ से किया हुआ है ना। जिनके पास नहीं है भी, रुकना नहीं है, हम लोग कहीं भी रुकते नहीं है, है ना। और एक बॉल भी मैं आपको, श्रीनिवास जी का है क्वेश्चन तो मैं उनके लिए बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं इसको रेड नहीं होने दूंगी। वाओ इतने अच्छे। चलिए इसी में निकालती हूँ मैं ये स्टील वाली प्लेट। मैं सुगंध इतना लाजवाब है इसका, क्या कहने। और इसके साथ चॉकलेट सॉस, अगर आपके घर में चॉकलेट सॉस नहीं है तो 3 गुना क्रीम, मतलब 3 पोर्शन क्रीम और 1 पोर्शन आप ले सकते हैं चॉकलेट। इसको मेल्ट कर लीजिए दोनों को एक साथ, और इसका चॉकलेट सॉस बन जाएगा। ये चॉकलेट सॉस थोड़ा थिक रहता है ताकि ये चुरोस जो है ना वो अच्छे से। मेरे पास एक चॉकलेट का मैं एक छोटा सा लेती हूँ टुकड़ा, और थोड़ा सा या तो मेल्ट करते हैं उसको, ये जो हमने हाथ से बनाया देखिए सेम वैसे ही बना है ना भाई। नहीं है तो ये मेरे पास चॉकलेट है तो मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट करती हूँ, अमूल का ही है तो इसको मेल्ट करती हूँ माइक्रोवेव में, नहीं तो कैसे करना है ये भी आपको पता है। थैंक यू वेरी मच रिंकू जी। और ये हो गया है, इसको निकाल देती हूँ। अगस्त जी बोले थैंक्स मैम, दिवाली 2023 में चुरोस गारंटी। बिल्कुल अगस्त जी, मैं चाहती हूँ कि आप जो सब मेरे साथ सेशन में रहते हैं आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि हर कंट्री का मीठा हम लोग बना सकते। भाई मिठाई बनाने के लिए ना सब लोग डरते, खाना बना लेते पूरा और मिठाई का वक्त आता है तो मार्केट से, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी मिठाई, बहुत बड़े बड़े ब्रांड की, हम लोग उनसे भी बेहतर और वैसी ही दिखने में हम लोग बना लेंगे। तो ये 1-2 चुरोस जो बचे हैं इसमें, तो ये आटा, थोड़ा देखिए ठीक हो गया ना, तो थोड़ा सा इसमें रहता है, थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है क्योंकि सख्त होता है। इसमें हमने क्या डाला है, हमने डाला है इसमें थोड़ी शुगर, तो सख्त तो होना ही है भाई ये, तो इसलिए जैसे गरम गरम है ना तो आप बनाइए। हमारा चॉकलेट भी मेल्ट हो गया है, मैं लेके आती हूँ इसको, थोड़ा ये आटे को मैं नीचे लेके आके ये एक और चुरोस बनेगा इसमें। ये हम लोग कट करेंगे, आप कैंची से भी कट कर सकते हैं, और मैं बॉल बना के दिखाती हूँ। ये चॉकलेट, तब तक ये मैं देखिए धीरे से उठाना है इसको, कुछ भी नहीं टूटेगा। बहुत डेलिकेट रेसिपी लेकिन बहुत आसान तरीके से बन जाती है। गैस मैंने फिर से कम कर लिया था तो स्विच ऑफ हो गया था, इसको होने देते। और ये जो हमारा चॉकलेट है देखिए काफ़ी मेल्ट हो गया ठंड के दिन है। चलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेल्ट भी नहीं चाहिए, है ना। ये बॉल में डालेंगे, मैं थोड़ा सा आटा इसमें से निकाल लेती हूँ, और ये चुरोस बॉल भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये आटा आपको जो साइज़ से बनाने हैं वो साइज़ के आप बना सकते हो। अगस्त जी ये आपको भी ये आइस टाइप का भी कर सकते हैं, और इसमें एक एक टूथपिक लगा दीजिए तो वो चॉकलेट में डुबाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये मैंने फिल कर लिया। श्रीनिवास जी ये आपकी इच्छा फिल करने की,
मैं कर रही हूँ, लेकिन चॉकलेट कभी भी देखिए ये इतना डेलिकेट रहता है, ऊपर से इसके आटा ज़रूर रहे। देखिए ये अच्छे से, और ये चॉकलेट मैंने इसमें डाल दिया। हाथ से किया है मैंने तो हाथ में आ गया है। देखिए अच्छे से पैक करना है इसको, है ना, चॉकलेट जलना नहीं चाहिए। ये चुरोस बॉल, इसमें आप स्टफिंग भी नहीं किया चॉकलेट का, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ चुरोस बॉल भी अच्छे लगते हैं। देखिए ये हमारे थोड़े से होने के, इसको थोड़ा पलटा लेते हैं, और ये हमारे और तीन चार बॉल। देखिए वो मतलब एक दो तो मैंने बना लिए स्टफिंग के, सिंपल वाले भी एक दो मैं बना के दिखाती हूँ। इसमें ये थोड़ा अच्छे से हम लोग आटा करेंगे, और इसके छोटे छोटे बॉल। अर्चना जी बोली हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अर्चना जी, और आप सबका साल बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, हेल्दी जाए। देखिए ये चुरोस बॉल, हमारी जो क्यूरीज रहती ना, हमारे पास नहीं हो ये होगा वो होगा तो रुकना नहीं भाई, हर रास्ता हम लोग निकाल लेते हैं ना, और हम इंडियंस की तो खासियत है कि हम लोग रुकते नहीं हैं। जैसे मैंने बताया, मेरी जो गुरु है पद्मश्री तल्ला दलाल, हमारा इंडिया का बहुत बड़ा नाम, तो उन्होंने सिखाया है कि कोई भी इसमें रुकना नहीं है। तो ये जहाँ गैप है थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए थोड़ा गैस मैंने बड़ा कर दिया है। अब ये देखिए, मैंने तो ये चॉकलेट सॉस हमारा अमूल का जो रेडीमेड है वो लिया है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है चॉकलेट सॉस तो क्या करेंगे हम लोग, करेंगे मैं ये बॉल इसमें डाल देती हूँ। देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको घी या ऑयल थोड़ा लगेगा ज़्यादा, तो मैं ये तिरछा करती हूँ, बिगनर्स या बच्चे ऐसा ना करें। देखिए एक साइड में कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग घी जब लेते हैं तो उसको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। देखिए इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहती थी, तो ये जो है, और अब ऑयल ले रहे हैं तो जिसमें स्मेल नहीं हो, जैसे पीनट ऑयल है, ऐसे चीज़ें ऐसे ऑयल मत लीजिए, सनफ्लावर ऑयल या वाइट, ये इसका जो बहुत सारे ऑयल जो है जिसमें स्मेल नहीं रहता वो ले सकते हैं, कॉटन सीड ऑयल ये ले सकते हैं आप। देखिए इस टाइप से कर लिया मैंने ये बॉल। ये अगस्त्य जी को और श्रीनिवास जी को थोड़ा सा था कि हमारे पास नहीं है, या उन श्रीनिवास जी को चाहिए था। अब ये मैंने लिए पाउडर शुगर, और इसमें मैंने डाला है दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। और ये जो हमारे गरम गरम चुरोज है ये इसमें मैं डाल देती हूँ इस टाइप से। देखिए अंदर तो बहुत कम मीठा है ना, 100 ग्राम मैदा में ये हमने डाला है, 2 टेबलस्पून खाली, ऊपर से जितना गरम में आ जाएगा थोड़ा सा उतना काफ़ी रहता है, क्योंकि चॉकलेट सॉस में तो बाद में जाना ही है ये। चलिए जो जो हो गए मैं एक इसमें डाल देती हूँ। और ये भी मेरे हो गए हैं ये बॉल्स, तो ये निकाल लेती हूँ। चलिए तेल या घी का जो भी है मैं यहाँ से हटा देती हूँ, और अब हम लोग करते हैं इसको अच्छे से रोल। ये देखिए ये इसमें मैंने, या फिर कोई आपके पास जो भी है, ये थोड़ा लंबा हो गया है, कोई छोटा सा शॉर्ट ग्लास हो या कुछ भी हो तो आप इसमें भी डाल सकते हैं, ऐसे पार्टी में आप सर्व कर सकते हो, जैसे बच्चों की पार्टी हो या बड़ों की हो। और अच्छे ठंड में, ये इतना अच्छा ठंडा मौसम है, तो इसमें आप ये डाल सकते हैं,
ये देखिए अगस्ती जी, ये हमारा जुगाड़ू चुरोज, और कितना शानदार दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास नहीं है तो हम लोग रुक जाएंगे। और ये हमारा चकली वाला, चकली के शेप वाला ये भी, और ऐसे ही डस्ट की जैसे, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ चिपक नहीं रही है। तो ये रोल चॉकलेट चुरोज बॉल भी बोलते हैं इसको, तो ये भी हम लोग। और श्रीनिवास जी, मैं ये आपको कट करके भी दिखाऊंगी। सुचित्रा जी बोल रही है डिलीशियस, थैंक यू वेरी मच सुचित्रा जी। ये मैं यहाँ पे लेती हूँ और ये इसमें रख देती हूँ, ये चुरोज और ये हमारा चॉकलेट सॉस। मैं मेरी बिटिया को बोलूँगी कि एक चुरोज खा के दिखाए वो हम सब की, वो क्रंच कैसा है, कैसे लगता है, ये ज़रूर दिखाना चाहती हूँ मैं। और चॉकलेट वाला कौन सा है वो देखना चाहती हूँ। तो ये चुरोज मैं एक मेरी बिटिया को बोलूँगी कि खा के दिखाए, ताकि ये क्रंच और वो उसमें डुबा के खाए। देखिए ये शायद चॉकलेट वाला है, तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ ये फ्लफी वाला। चलिए ये नहीं चॉकलेट वाला, कौन सा चॉकलेट वाला देखती हूँ, वो भी एक बार हम लोग कट करेंगे। वाह कितना, देखिए कितना मस्त। अच्छा ये भी नहीं, दो गलत जवाब। ये देखिए ये वाला चॉकलेट का, क्योंकि मैंने दो चॉकलेट की बनाए थे। और क्रंच देखिए, ये हमारा चॉकलेट, वाओ बहुत ही सुंदर। हाँ अभी देखिए ये चुरोज इसमें डुबा के चॉकलेट के इसमें वो खा के दिखाएगी, और इसका क्रंच आप देखेंगे। मैं आपको वो क्रंच दिखाना चाहती हूँ। आपने सुन लिया है इसका क्रंच, और ये शानदार हमारा चुरोज। किसी के कोई क्वेश्चंस? और ये देखिए इस तरह से ये जो चुरोज है, इसका डस्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं है इसमें, है ना, शुगर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये इस तरह से डुबाया जाता है ठंड में, बहुत ज़्यादा ठंड। और ये चुरोज क्या कहने भाई, इसको ऐसे रोल कर लीजिए और चॉकलेट सॉस काफ़ी ले लीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं मेरी बिटिया को बोलती हूँ कितना अच्छे से खा ले वो, और दिखाएंगी कि कितना अच्छा ये चुरोज है। एक बार मैं कैमरे के सामने भी दिखाना चाहती हूँ ये क्रंच इसके साथ शानदार। ये स्पेन की हमारी सफारी, हमारी फूड सफारी स्पेन वाली। हाँ श्रीनिवास जी बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल श्रीनिवास जी, आप सब जब रहते हैं तो मुझे, मेरी इच्छा रहती है कि हम लोग एक साथ रूबरू हो जाए। और किसी के कोई क्वेश्चंस, और किस कैसी लगी आज की डिश ये भी ज़रूर बताइएगा। उषा जी बोल रहे हैं यम्मी, थैंक यू वेरी मच उषा जी। और अगस्त जी बोल रहे हैं थैंक यू मैम लव इट, हम शायद कोई स्वीट फ्रूट्स भी डाल सकते हैं जैसे बनाना और एप्पल, दालचीनी पाउडर बहुत अच्छी लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल अगस्ती जी, दालचीनी का इसमें जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छे लग सकते हैं। आप फ्रूट्स भी ले लीजिए, वो भी फोंडो जैसे करते हैं हम लोग डिप करके चॉकलेट में, वैसे ये चुरोज बॉल, और कुछ एप्पल या एप्पल के साथ भी दालचीनी का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, और बनाने के साथ भी। तो जो चाहे कर लीजिए भाई, हमारी मर्जी। और इतना अच्छा और ऑथेंटिक रेसिपी मैंने बताई है आपको स्पेन की, इसी तरह से बनाइएगा और मज़े ले लीजिएगा। और लाइक करना मत भूलिएगा, और प्यार बांटने से बढ़ता है, तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। किसी के क्वेश्चन नहीं है कुछ? उदय जी बोले वेरी नाइस, और दीप्ति जी बोले यम्मी। थैंक यू उदय जी, और थैंक यू दीप्ति जी। आप सब लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं भी आपको मिस करती हूँ। परसों फिर से हम लोग 7 बजे ज्वाइन हो रहे हैं, तो ज़रूर बनिएगा। और थैंक यू वेरी मच, आप सबको नए साल की बहुत बहुत खूब खुश शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।